टेल मी समथिंग, आपके लाइफ में सबसे रिलायबल पर्सन कौन है? कौन है वो जो हमेशा आपको सही एडवाइस देगा? कौन है वो जो 24/7 आपके लिए अवेलेबल रहेगा? कौन है वो जो आपकी सारी स्ट्रेंथ्स को अच्छी तरह से जानता है, आपके सारे ऑप्शंस को बहुत अच्छी तरह से समझता है और आपकी कमियों को भी बहुत बढ़िया तरह से जानता है, आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते ये सारी चीजें पहचानता है? कौन है वो पर्सन? केवल एक ही पर्सन है और वो है आप खुद। यू आर द ओनली पर्सन जो आप अपनी रियलिटी को अच्छी तरह से समझते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह से जानते हैं, आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये भी समझते हैं, और आप ही वो हैं जो अपने आप को बेस्ट एडवाइस दे सकते हैं। एंड येट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आप अपने आप से बात ही नहीं करते। यू डू नॉट इंडल्ज इन समथिंग कॉल्ड सेल्फ टॉक। आप किसी से भी एडवाइस मांग लेंगे, किसी की भी बात सुन लेंगे, अपने आप के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। देखिए, आपके पास्ट में हो सकता है कुछ ऐसे कारण रहे हों, कुछ ऐसे समय रहे हों जिसमें जब आपने अपनी बात सुनी है तो आपको नुकसान हुआ है। लेकिन मुझे बताइए, क्या आपकी लाइफ में कोई भी जना ऐसा है जिसने आपको जब भी जो एडवाइस दी है वो हमेशा फायदेमंद रही है, जिसके कहने पर आपने जो भी काम किया है उसमें आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रही? जब आप औरों को चांस देते हैं, जब आप औरों की बात सुनते हैं इवन दो वो पास्ट में आपके लिए वर्क नहीं करी हुई, तो आप अपनी आप की बात क्यों नहीं सुनते? आप सेल्फ टॉक में इंडल्ज क्यों नहीं होते? बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वी आर अलोन। व्हाई? बिकॉज वी डू नॉट टॉक टू आर ओन सेल्फ। वी डू नॉट मेक बेस्ट फ्रेंड्स विद द पर्सन हु विल ऑलवेज बी देयर फॉर अस, and that is you yourself. Learn to trust your instincts. Learn to indulge in self-talk. हो सकता है आपका जो internal compass हो उसको calibrate करने में थोड़ा सा समय लगे। कोई भी नई चीज जब आप शुरू करते हैं तो rhythm बनने में थोड़ा सा time लगता है। हो सकता है इस self-talk को भी rhythm में आने में, एक fluency में आने में थोड़ा समय लगे। बट अगर आप थोड़ा सा समय अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, यू आर मेकिंग अ बेस्ट फ्रेंड फॉर लाइफ, द ओनली पर्सन जो हमेशा आपको सही एडवाइस देगा, क्योंकि उसके फायदे में आपका फायदा होगा। अपने आप को अंडर वैल्यू मत कीजिए, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, और ये सोचिए ना कितने सारे और लोग हैं जो आपकी एडवाइस मांगते हैं, आपसे पूछते हैं क्या करना है, और ऐसे में अगर आप ये एक्सपर्ट एडवाइस खुद को नहीं दे रहे, आप औरों को एडवाइस देते हैं जबकि आप ये भी नहीं जानते कि सारे पैरामीटर्स क्या हैं उनकी लाइफ के, आपको अपनी लाइफ के तो सारे पैरामीटर्स पता हैं। जब आप एक्सपर्ट हैं अपने आप में और आपके में कोई भी और जना एक्सपर्ट नहीं हो सकता, तो व्हाई डोंट यू टेक द एडवाइस ऑफ द एक्सपर्ट? व्हाई डोंट यू लिसन टू योर ओन सेल्फ? Why don't you indulge in self-talk? अपने आप से बात कीजिए, बहुत मजा आएगा, पता चलेगा कितने बढ़िया पर्सन हैं आप। Thank you very much.